क्या मैं सच में टैग चैंपियन सपोर्ट और यानी कि हॉप टॉल को स्ट्राइक देने वाला हूँ? क्या मैंने जिस थाली पे खाया उसमें मैं छेद करने वाला हूँ? आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा टाइटल और ऐसा थंबनेल आखिर मैंने क्यों बनाया। तो इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि स्ट्राइक की बात कहाँ से आ गई और ऐसा बात मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं अपने गुरु अपने भाई टैग चैंपियन सपोर्ट को सच में स्ट्राइक दूंगा? आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, कभी आपने सोचा तक नहीं होगा, और आप बाद में एक बार जरूर बोलोगे कि एक YouTube पे कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टेक्नो प्रीतम YouTube चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। रिसेंटली मेरे चैनल पे एक वीडियो आई थी, चलिए उस फोन के स्क्रीन पे पहले मैं आपको लेके चलता हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊं। उस पे आ चुका हूं और यहां पे आपके सामने एक वीडियो नजर आ रही होगी, जो वीडियो आपके सामने ओपन अभी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। देख सकते हो कि एक वीडियो हमारे चैनल पे है और मैंने इनका जो यहां पे चैनल है बर्बाद कर दिया, YouTube ने 200 वीडियो प्लस डाल दिया, अपने ने दिया गालियां। तो ऐसा टाइटल लगा कि मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था और इनके चैनल का लिंक और एटीसी सब कुछ मैंने डाल दिया था ताकि इनको यहाँ से बेनिफिट हो। थोड़ी बहुत मेरे कारण अगर रिच किसी और को मिल जाती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसा हुआ भी। लगभग 200-300 प्लस व्यूज़ उसके चैनल पर बढ़ना स्टार्ट हो गया और उसे अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिल गए। हालाँकि उसे वो मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर से मैंने उनके लिए बात किया, हॉप टॉल पर बात किया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अल्तमस भाई का नंबर दिया, अल्तमस भाई से उनका बात हुआ इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जो हुआ वो आप देख के चौंक जाओगे कि आखिर मैंने क्या किया जिसके कारण से मैं ऐसी बात बोल रहा हूं कि मैं स्ट्राइक दूंगा या नहीं दूंगा, वो तो क्लियर हो ही जाएगा। अब यहां पे देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपने कॉपीराइट मेज टूल पे। कॉपीराइट मेज टूल एक ऐसा चीज है जहां पे आप पता कर सकते हो कि आपकी वीडियोस को आखिर कौन कौन यूज कर रहा है, कितना परसेंट यूज कर रहा है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट आपको दे रहा है, वो कितना परसेंट क्या कर रहा है, सब कुछ आपको वहां पे पता चल जाता है। तो मैं अपने कॉपीराइट मेज टूल देखता रहता हूं कि आखिर मेरी वीडियो को कौन कौन यूज करता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरी वीडियोस पे, आखिर मेरी वीडियो को कौन यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हालांकि यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि कॉपीराइट मेज टूल पे मैं जब आया, कॉपीराइट मेज टूल पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो कि मेरी जो वीडियो है, मेरी जो इस वीडियो को है, हॉप टॉल्क टीम ने पूरा का पूरा 100% यूज किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 100 ऑफ देयर वीडियोस, यानी कि 100% हॉप टॉल्क चैनल यहाँ आपके सामने है और उस पर व्यूज़ जो आए हैं 15,000, यानी जो ग्राफ दिखा रहा है कि मेरे से ज़्यादा व्यूज़ उनको आए। सिंपल सी बात है, एक ब्रांड चैनल है, एक अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, जिन पर दूसरे की सपोर्ट होती है तो उनको 100% व्यूज़ वहाँ से देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे बूस्ट अभी मिल रहे हैं वहाँ। डायरेक्ट क्लिक आप करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे हॉप टॉल्क पे, और यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वीडियोस की आ जाएंगे। जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, सेम टू सेम वीडियो को मेरे YouTube चैनल से डाउनलोड करके उसे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है हॉप टॉल के टीम ने। क्या ये सही किया या नहीं किया, मैं आप बता देता हूं। देखो, मैं बस एक ऐसा क्रिएटर हूं जहां से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरी वीडियो आप यूज करना चाहते हो, लाइक यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं यहां पे 50 कर दूं तो आपके सामने कितने सारे वीडियोस आ जाएंगे जो मेरी वीडियो को यूज कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, 90% कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी स्ट्राइक नहीं दिया है, ना वार्निंग दिया है कि मैं आपको स्ट्राइक दूंगा। और जो जो वीडियो को मेरे आदमी यूज कर लेते हैं उस वीडियो को मैं क्रिएटिव कमेंट्स दे देता हूं, क्योंकि आपको मैं प्रॉब्लम नहीं दूंगा लेकिन यूट्यूब आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ सकता है। तो उसके लिए मैंने जो भी वीडियोस आपने यूज किए हैं, जितने भी भाई ने यूज किया है, मैं आपको बता दूं कि आप बेफिक्री से उसे यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी मेरे साइड से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात टैग चैंपियन सपोर्ट की, तो यार वो भगवान है, वो एक तरह से देवता है कि इस तरह से क्रिएटर का सपोर्ट वो कर रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी स्ट्राइक दूंगा ना कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं उसको स्ट्राइक दूं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप भी इसी तरह से अपने बिहेवियर को रखिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, कभी भी दूसरे के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। 100% आप आगे बढ़ेंगे, आप भी ग्रो होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।